नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज कंपनी के मैक्सिमा एक्सेल कार्गो मिनी ट्रक के बारे में। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, आप ग्रीन कलर के अंदर ये खड़ा हुआ है। इसमें क्या क्या कंपनी ऑफर करती है, डीलर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कीमत क्या रहेगी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका अपना परिचय दें, अपने डीलरशिप के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं रवि कुमार, मैनेजर गुरु नानक ऑटो डील्स, भिवानी चुंगी नियर वर्मा पेट्रोल पंप। हमारी कंपनी ने ये कार्गो CNG प्लस पेट्रोल निकाला है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ दी है कंपनी ने। सबसे पहले इसकी जो शेप दे रखी है कंपनी ने, एरोडायनेमिक दे रखी है, जिसके हवा का प्रेशर पड़ता है तो हवा को काटता हुआ ये आगे निकल जाता है। इससे जो फ्यूल की कंजक्शन है वो कम होती है। बाकी सब कंपनियों में आता है प्लास्टिक का मडगार्ड, इसके अंदर स्टील का मडगार्ड दे रखा है। दूसरा, इसके अंदर जो शोकर दे रखे हैं वो डबल हैं, दोनों साइड हैं इसमें। और जो ऑटो आते हैं उनमें सिंगल साइड आता है। तो डबल होने से क्या फ़ायदा रहेगा? डबल होने से बैलेंस बहुत अच्छा बनता है इसका, ड्राइवर को चलाने में आसानी होती है, थकावट नहीं होती। अब कंपनी ने क्या किया है, इसके टायर्स का साइज़ बढ़ा दिया है। पहले 4-50-10 का आता था, अब 5-10 का कर दिया है। रिम का साइज़ भी साथ में बढ़ा दिया है, टायर का साइज़ भी साथ में बढ़ा दिया है। दूसरा, इसके अंदर जो पेट्रोल भी है और CNG भी है, दोनों फ्यूल हैं इसके अंदर। अगर कोई डीजल वाला वेरिएंट भी लेना चाहे तो वो अवेलेबल है? नहीं, वो भी अवेलेबल है। उसका साइज़ छोटा आता है, जो डाला है इसकी चौड़ाई है 5 फीट, लंबाई है 6 फुट। डीजल वाले का जो आता है वो 5 फुट का चौड़ा आता है और 5 फुट 7 इंच लंबाई आती है उसकी। जो इसके सस्पेंशन दे रखे हैं पीछे वाले व्हील सस्पेंशन, उसके अंदर CV चापट दे रखी है, कपलिंग नहीं है, जिसकी 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी होती है। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा रहेगा जैसे कंपनी का? ये होता है अगर इसके अंदर कपलिंग होती है तो वेट डालने से वो कपलिंग टूट जाती है। इसमें CV चापट दे रखी है जो ड्यूरेबल है। अगर पासिंग की बात करें तो कार्गो बॉडी में पासिंग कितने वेट के साथ? पासिंग की हम करते बात तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पासिंग है वो 6.5 क्विंटल की है। और कंपनी से बताती है पेलोड कैपेसिटी कितनी रहती है इसकी? लगभग कंपनी तो वैसे कहती है 1 टन तक रहती है। इंजन की जो पावर है इसकी 236 cc की है, 8 HP का इंजन है इसके अंदर। कैबिन की बात करें तो इसका कैबिन ड्राइवर के लिए बहुत ही आरामदायक है। इसका जो लेग रूम है बहुत अच्छा है, ड्राइवर आराम से बैठ के कितना भी लंबा चला सकता है। दूसरा, इसका जो हेड रूम है वो आदमी अगर लेंथ भी बड़ी हो तो भी बहुत आरामदायक है। हैंड ब्रेक है, बैक गियर है, बाकी सारी सुविधाएं, डिजिटल मीटर भी है। अच्छा, गियर स्पीड की बात करें तो टोटल कितनी गियर स्पीड यहाँ पे कंपनी ऑफर इसमें करती है? मैक्सिमम 50-55 के आसपास स्पीड की बात। टोटल गियर की बात करें तो कितने गियर यहाँ पे कंपनी ने दिए इसके अंदर? कंपनी ने इसे 4 फ्रंट गियर दिए हैं, 1 बैक गियर दिया है। उसके अलावा इसमें अलग अलग फीचर जो कंपनी ऑफर करती है उसके बारे में, तो एक बेहतरीन फीचर कौन सा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे ऑटो स्टार्ट इसमें बटन आपने कंपनी ने दे रखा है, उसके बारे में थोड़ा स्टार्ट करके दर्शकों को दिखाएं, इसकी आवाज़ कैसी है, इसका साउंड कैसा है इंजन का? साउंड आप इसमें देखेंगे स्टार्ट करने के बाद, इसका आपका साउंड का पता नहीं चलेगा, साउंड है या नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल साइलेंट इसका इंजन है, किसी प्रकार की ज़्यादा कोई नॉइस इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है। उसके अलावा CNG की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो जो CNG का टैंक है वो कितने किलो का यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है? CNG का जो टैंक है इसका 8 किलो का है, जिसके अंदर 6.5 किलो गैस आती है। माइलेज इसकी 35 की है, 1 किलो गैस में ये 35 किलोमीटर चलता है। और पेट्रोल के टैंक की बात करें तो कितने लीटर में दिया? पेट्रोल के टैंक की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 लीटर का टैंक दिया है। CNG वगैरह कहीं ख़त्म हो जाती है तो टो करके लानी नहीं पड़ती गाड़ी, पेट्रोल इसलिए दे रखा है। अगर ब्रेक्स वगैरह की बात करें तो ब्रेक वगैरह कैसे दे रखे कंपनी ने इसके अंदर? पहले नॉर्मल आया करते, अब डिस्क दे दिए हैं जो सेफ्टी को बढ़ा दिया है कंपनी ने। उसके अलावा दोस्तों जो रियल टेल लैंप है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलोजन बल्ब के साथ में दिया हुआ है। जो इंजन असेंबली है वो किस प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है, पीछे की तरफ इंजन को प्रोटेक्शन देने के लिए जाली भी लगाई गई है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है वो आप इसमें खरीद सकते हैं। अब लास्ट में अगर इसे कीमत की बात करें तो अभी हरियाणा रोहतक के अंदर अभी हम हैं, तो आपके डीलरशिप पे ऑन रोड कितने में पड़ेगा? हरियाणा रोहतक के अंदर पड़ेगा आपको ये ऑन रोड 2,95,000 रुपये का, जिसके अंदर RC भी होगी, इंश्योरेंस भी होगा, रोड टैक्स भी होगा और नंबर प्लेट भी होगी। अगर रोहतक एरिया के अंदर कोई लेना चाहिए आपसे तो संपर्क सूत्र आप बताएँ थोड़ा सा एक बार। रोहतक के एरिया के अंदर अगर कोई लेना चाहता है तो हमारे से संपर्क कर सकता है 999-12-00-398। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी के डीलर भी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया कीमत क्या रहेगी, बेहतरीन फीचर्स के बारे में भी आपको बताया,
किस तरह से आपके लिए उपयोगी रहेगा? नॉर्मल जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग वेरिएंट्स भी आते हैं, लेकिन जो बजाज कंपनी का मैक्सिमा सीरीज़ है कार्गो बॉडी के अंदर, काफ़ी किफ़ायती है, लो मेंटेनेंस है, उसके अलावा काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा जो माइलेज है उसकी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, लो मेंटेनेंस है, और जो कीमत है आपने जानकारी प्राप्त करी। अगर आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखनी है तो ट्रक जंक्शन के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी की जानकारी भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।